बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे आपकी दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। इसी तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहेंगे अपने घर में। अल्लाह पाक आपको अपने घर में बात रखे। तो जी मेरे बहन भाई, हमारी तो यही आप सबसे दुआ होती है कि अल्लाह पाक जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद दे। जिनके पास अपना घर नहीं अल्लाह पाक उनको अपना घर दे। जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करें। इस वक्त देश प्रदेश में मेरे बहन भाई अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे, ऐसा मुस्कुराता रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जी आज का व्लॉग शुरू करती हूँ खाने पीने की रूटीन से। तो आज मैं बना रही हूँ रोटी। जैसा कि अभी बच्चों का मैं नाश्ता बना रही हूँ, हमारे यहाँ आटा नहीं था तो मैंने कहा चले अभी वो आटा लेके आए हैं, तो अभी मैं रोटी बनाना शुरू करती हूँ और कर ली है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो मैंने कहा चलें अपने यूट्यूब फैमिली से कुछ बातें शेयर कर लूँ। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना, घर की सभी रूटीन आपसे शेयर करूँगी। सवेरा को भूख लगी है तो मेरे पास आकर बैठी है, कहती मम्मा जल्दी करें मुझे तो रोटी बना कर दे, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो मैंने कहा चले मैं आपको रोटी बना कर दे। रोटी तो मेरी बन गई है, अभी मैं बच्चों को जाकर कमरे में तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। अभी रोटी बन गई है, सवेरा भूख लगी है जी मम्मा। ये भूख लगी है सवेरा को, इंसुलिन जब लग जाती है ना तो फौरन बाद में कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगती है कि मम्मा कुछ ना कुछ खाने को फटाफट दे दें, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो अभी बस रोटी तैयार हो गई है तो अभी मैं आपको देती हूँ। जैसे कि आपको पता है सुबह सुबह बच्चों को घी का वाला पराठा बहुत पसंद है, तो मैं फिर जब होता है तो फिर मैं बच्चों को घी वाली रोटी बनाकर देती हूँ, जब नहीं होता तो फिर वैसे बच्चे सालन से चाय के साथ खा लेते हैं। तो आज इन सब ने मुझे कहा मम्मा हमें पराठे बना कर दें, तो मैंने कहा चलें ये तवे की रोटी है, ये भी बहुत ही मज़े की होती है तवे की रोटी, वो भी अपने अपने दाँत से अपनी अपनी रोटी जो है ना मज़े की बनती है। तो मैंने कहा चलें आपको इधर मैं ना घी वाली रोटी बनाकर दे देती हूँ। अभी बच्चों सभी को भूख लगी, आज वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, भूख भी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो सुबह मैंने चाय बनाई थी, मैंने कहा चले अभी मैं इनको रोटी बनाकर दे देती हूँ। ये अम्मा के लिए थोड़ी सी मैं भारी रोटी बनाती हूँ, क्योंकि अम्मा मेरी के दांत नहीं है ना, तो फिर अम्मा से रोटी इस तरह खा नहीं होती, तो मैं इसलिए अम्मा के लिए भारी रोटी बनाती हूँ, तो इजी से खा लेती है अम्मा। ये अम्मा के लिए मैं रोटी बना रही हूँ, थोड़ी सी भारी है। अम्मा को अक्सर मैं पतली रोटी बना कर देती तो वो फिर कहती है बेटा दांत तो मेरे है नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा ना हैवी रोटी बनाकर भारी रोटी बना कर दिया करें। तो फिर मैं अम्मा के लिए थोड़ा सा ना जो आटे का पेड़ा है ना मैं थोड़ा सा भरा कर लेती हूँ ताकि वो आसानी से खा ले। बीच में मैंने इसके ना बीज है बीच में डाल दिया ताकि नरम रोटी हो जाए। रोटी तो मैंने बना ली है, तो अभी मैंने कहा चले बिस्तरे मैंने सुबह से ना धूप में डाले हुए थे, क्योंकि जैसा मौसम कुछ ठीक नहीं है ना तो बिस्तरे सभी कुछ जो है ना इस तरह अजीब सा हो जाता है। तो मैंने कहा अच्छी तरीके से उसको धूप में गया फिर मैं बिस्तर समेट लूँगी। तो अभी मैंने बिस्तरे समेट लिए। गुलफाम इधर आओ, ये बिस्तर उठाओ ले जाओ कमरे में। तो मैं चारपाई रख लेती हूँ, धूप काफ़ी है तो धूप में ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ले जाओ अच्छी तरीके से रखना। सवेरा ये बाइक की ना निकल उठा लो अच्छी तरीके से, इसको भी कमरे में रख लो, देख लेना ऊपर कुछ चूंटियाँ वगैरह ना। सवेरा भी मेरे साथ हेल्प करवाती है छोटे छोटे कामों में ना, हेल्प करवाती है। सवेरा को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो कहती मम्मा चले नहा दे, हमारे यहाँ देखे हैं लाइट भी बिल्कुल स्लो मोशन पे चल रही है, मोटर इतना पानी नहीं देती है। तो फिर सोलर प्लेट वगैरह हो ना तो फिर इजी से मोटर चल जाती है और पानी भी काफ़ी आता है, लेकिन ये हमारा ना जब वहाँ का काम करते हैं ना वहाँ ठेकेदार ने हमें लाइट दी है, तो ये देखें बिल्कुल स्लो मोशन पे लाइट है तो इतना पानी नहीं आ रहा। तो सवेरा को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो कहती मम्मा आप मुझे नहा दो नहला दे तो चलें कुछ सुकून आ जाएगा। अब ठंड है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है सवेरा को।
इंसुलिन छोटी सी थी जब, एक दो साल की थी जब से मैं इंसुलिन लगा रही हूँ, तो आप खुद ही देखें 7-8 साल की होगी है तो इंसुलिन लगा 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 कर बिल्कुल बेचारी जो है ना ख़त्म हो गई है। इस कदर इसका ना जिल्द जो है ना बिल्कुल ड्राई खुश्क हो गई है, गर्म होती है ना इंसुलिन तो बस बहुत ज़्यादा बेचारी ना गर्मी महसूस करती है। फिर पंखा भी एक ही है और फ्रिज भी नहीं है, बाज़ार से बर्फ़ भी लेके आते हैं, वो भी आते आते बिल्कुल इतनी सी रह जाती है, नॉर्मल सा पानी जो है ना ठंडा आता है। तो इस तरह की मेरी बेटी की शौक होती है कि मम्मा फ्रिज हो छोटी सी, पंखा मेरे ऊपर ही चलता रहे तो मैं ना ये ठंडी हवा हो और ठंडी ठंडी चीज़ें हों जो मैं खाऊं पीऊं, बस अल्लाह पाक देगा। इसीलिए हमने ये चैनल बनाया ताकि हम अपनी बेटी को सपोर्ट करें और इंशाल्लाह एक ना एक दिन हमारे जो है ना टाइम वॉच भी पूरा होगा, हमारे फॉलोअर भी पूरे होंगे और इंशाल्लाह जो हमारा चैनल है वो भी मोनेटाइज हो जाएगा और ग्रोथ करेगा और हमारे भी सैलरी आएगी। और जो सैलरी हमारी आएगी सबसे पहले मैं अपनी बेटी के लिए, बड़ी नहीं क्योंकि हिम्मत नहीं है गरीब बंदे, बड़ी नहीं तो छोटी जो है ना बिल्कुल छोटी सी वो मैं फ्रिज लूँगी ताकि मैं अपनी बेटी की शौक पूरी करूँगी। बीच में खुद ही बोतल रखेगी पानी की और थोड़े से फल लेकर दूँगी वो जो अपनी मेरी बेटी फ्रिज में रखेगी और खुद ही फ्रिज का दरवाज़ा खोलेगी और निकालेगी और खाएगी, तो अल्लाह पाक भी बहुत खुश होंगे और हम भी खुश होंगे क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से वो हमें सैलरी मिलेगी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों की बहन भाइयों की दुआओं से सपोर्ट की वजह से इंशाल्लाह हम एक ना एक दिन इस मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे और वो दिन जल्दी आएगा इंशाल्लाह। सवेरा का ना आप देख लें पेट भी कितना ज़्यादा है क्योंकि इसको गंदम से ना एलर्जी है, इसके पेट में एलर्जी है क्योंकि रोटी तो बिल्कुल खाई नहीं जाती, तो बस फिर भी गुजारा हो रहा है। तो शुगर भी है, गंदम से एलर्जी भी है, गुर्दों का भी मसला बना हुआ है। अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह पाक मेरी बेटी को शिफा देगा। चले अब आप कमरे में जाकर बैठ जाओ, ठीक है दूध। ये मैंने ना टांड कमरे में रखी थी, हमारे यहाँ अक्सर मौसम खराब रहता है तो मेरे फटाफट जो है ना और तो कुछ समेटा जाता नहीं जल्दी से, मैं फटाफट से ना टांड कमरे में रख लेती हूँ। मैंने कहा चलो बच्चों को खाना बना कर देना होता, फिर अगर लकड़ियाँ भी ना होंगी तो वो भी परेशानी बनती है। तो चले ये जो है ना टांड मकई की, तो इससे चलो चाय भी बन जाती है, रोटी भी इजी से बन जाती है, तो कुछ फिर बच्चों के लिए परेशानी बन जाती है, नहीं होती घर में लकड़ी तो परेशानी बनती है। अभी मैं अपना ना 4-5 कमरे में रख लेती हूँ। यही है, इजी होता खाना बनाना लेकिन क्या करें मजबूरी है, हमारे यहाँ तो गैस भी नहीं है और ना ही चूल्हे है इस तरह के, फिर इस तरह ही बस गुजारा करना होता है। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र है जिस हालात जिस घड़ी में वो रखे, अल्लाह पाक का शुक्र है। मेरा ने भी नहा लिया और साथ ही मैं घर का और काम समेट लेती हूँ, घर का काम भी हो गया है। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई तो लाजमी उर्दू में प्यारा सा अपने नाम का कमेंट कर दीजिएगा और हाँ कमेंट में आपने लाजमी बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को आगे शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों की प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है, सवेरा की खातर प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट किया करें ताकि मेरा चैनल और ज़्यादा बुलंदियों पर जाए और ग्रोथ करे। तो अगले ब्लॉग के साथ फिर आपसे मिलेंगे अच्छे और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ के बाद।